स्टेशन के साथ। ये वो पहाड़ी टीला है जो तजल्लीगाह के नाम से मशहूर है, जहां कलंदर पाक ने सरकार को इस मिजाज की मशक के लिए भेजा था। इस जगह का वाकया कुछ यूं है कि आज की शब यानी 15 रमजान मुबारक, जब सूरह मुजम्मिल की तलावत कर रहा था, मैंने देखा कि फजर का समा हो गया और पहाड़ी के इर्द गिर्द बेशुमार कुर्सियां बिछ गईं, और फिर इन कुर्सियों पर बेशुमार बुजुर्ग अरबी लिबास में मलबूस रौनक अफरोज हुए। 13 आदमी मेरे करीब खड़े कर दिए गए और एक सदा आई, आज चुनाव होने वाला है। वो आदमी मुझसे काफी बड़े थे, किसी ने सिर्फ कपड़े की धोती और किसी ने दरख्तों के पत्तों से अपना जिस्म ढांपा हुआ था। मालूम होता था कि अरसा से जंगलों में चिल्ले वजीफे कर रहे हैं। इतने में आसमान से बिजली की मानिंद एक लंबी रौ आई और मेरे जिस्म पर आन गिरी। हाजरीन हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है, कल का आया हुआ पुरानों पर सबकत ले जाए। इन 13 आदमियों के मुंह से निकला कि शायद भूल हो गई। इतने में दोबारा बरकी रौ आई और मेरे जिस्म पर आन गिरी। इन 13 आदमियों में से किसी ने गुस्सा से, किसी ने हैरत से मेरी तरफ देखा और चले गए। इस वाकया के बाद मेरा जिस्म सख्त भारी हो गया और मैं बगैर कोई मश्क किए लेट गया। बाल बाल से अल्लाह की आवाज सुनाई दे रही थी, हत्ता के दिल से ऐसी सुरीली आवाज आ रही थी जैसे कोई बच्चा अल्लाह पढ़ रहा है। मैं जिस सिमत देखता लफ्ज अल्लाह लिखा नजर आता, और अब दिल पर भी खुशखत सुनहरी लफ्ज अल्लाह नजर आया। बेख्तियार जुबान से सुभान अल्लाह निकला। आज के बाद कई किस्म की मखलूक और कई बुजुर्गों की अरवाह मुझे देखने के लिए आते। सर्दियों के मौसम में सरकार गौहर शाही को लाल बाग में इस दरख्त के नीचे बैठने का हुक्म हुआ। यही जगह आपकी चिल्लागाह के नाम से मशहूर है। बाद में आपके मुरीदैन ने चार दीवारी बना के चिल्लागाह को महफूज कर लिया। चिल्लागाह की दाई जानिब कलंदर बाग रहमतुल्लाह अलैह की चिल्लागाह है। आपकी किताब रूहानी सफर में 50 साल मस्तानी माई का भी जिक्र है, जो कि शैतान की चेली थी, और सरकार गौहर शाही को तरह तरह के हीले बहानों से असल राह से हटाने पर मामूर थी। सरकार की चिल्लागाह के साथ ही इस जगह मस्तानी माई की झोंपड़ी हुआ करती थी। लाल बाग में ये वो चश्मे हैं जहां सरकार गौहर शाही वुजू के लिए इन रास्तों से आते थे। इसी चश्मे के पास जो खजूर का दरख्त है, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का वाकया रूनुमा हुआ था। सरकार गौहर शाही फरमाते हैं कि रात के तकरीबन 3 बजे होंगे, जिक्र की मशक के बाद खड़े होकर दुरूद शरीफ का वित कर रहा था। फजर का समा हो गया, चश्मों की तरफ से बेशुमार मर्द औरतें कतार दर कतार खड़े हैं। सोचता हूँ कि आज कोई बुलंद मर्तबा मिलने वाला है। ये लोग मुझे देखने के लिए आए हैं, लेकिन ख्याल आता है कि इनकी पुश्त मेरी तरफ है, ये किसी और का इंतजार कर रहे हैं। मगरिब की तरफ से एक सब्ज रंग का रोजा उठता आ रहा है और जहाँ लोग जमा हैं वहीं उतर गया। रोजे में से एक नूरानी सूरत नमुदार हुई, औरतों ने देख कर झूमना शुरू कर दिया। उनकी जुबान पर ये अल्फाज थे, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक। मर्द भी झूम रहे थे और अस्सलात व सलाम अलैक या रसूल अल्लाह पढ़ रहे थे। अब वो बुजुर्ग मजमा से गुजर कर मेरी तरफ बढ़े, जूं जूं करीब आ रहे थे, खुशी से आंसू जारी हुए जा रहे थे। देखने की ख्वाहिश है लेकिन नजर ऊपर को नहीं उठती। नूर है जिसे आंखों को देखने की ताब नहीं, न देखूं अरमान रहे और देखूं तो जान जाए। ये नहर लाल बाग के करीब ही वाकया है। इन दोनों जब सरकार गौहर शाही लाल बाग में चिल्ला फरमा रहे थे, इसी नहर की रवानी किनारों तक थी। आपने रूहानी इशारे के मुताबिक इस पुल से नहर में छलांग लगा दी थी। हुक्म रब्बी से पानी ने रास्ता आपके लिए छोड़ दिया और आप सही सलामत किनारे तक पहुंच गए। ये वाकया आपकी आजमाइश थी और आप फरमाते हैं हमें इस आजमाइश से भी गुजरना पड़ा। नहर के पास सड़क के किनारे ये चाय के उस होटल के निशानात हैं जहां सरकार गौहर शाही अक्सर चाय पीने के लिए आते थे।
जामशोर टेक्स्ट बुक बोर्ड जिसके अकब में सरकार घोरशाही ने इस जगह झोपड़ी डालकर जिक्री कलबी और आसेब वगैरह की दम का सिलसिला शुरू किया। वो लोग जो सहन से वाकफियत रख